अक्सर आप लोगों के मन में क्यूरियोसिटी रहती है कि क्या आप किसी पुलिस ऑफिसर को पीट सकते हो, क्या आप किसी पुलिस ऑफिसर पर हाथ उठा सकते हो, उन्हें थप्पड़ मार सकते हो। अब इस क्यूरियोसिटी के कई कारण हैं, कई रीजंस हैं। पहला कारण है डर। अब ये डर क्या है, लोग पुलिस से क्यों डरते हैं? इस डर को इंजेक्ट किया जाता है मूवीज द्वारा। जिस तरह से मूवीज में पुलिस ऑफिसर्स की इमेज को शो किया जाता है, उनकी छवि को दिखाया जाता है, तो डर पैदा होना स्वाभाविक है। इसका दूसरा रीजन है कि अगर मान लो कल को कोई पुलिस ऑफिसर अपनी वर्दी का रोब दिखाए किसी के ऊपर, नाजायज फायदा उठाए अपनी वर्दी का, अपनी पावर का, तो उस केस में आपके मन में आता है कि क्या हम इसे पीट सकते हैं। और तीसरा सबसे कॉमन रीजन है कि अगर पुलिस ऑफिसर ने आप पर हाथ उठाया विदाउट एनी रीजन, आपने कोई अपराध नहीं किया है, तो उस केस में क्या आप उल्टा पुलिस ऑफिसर पर हाथ उठा सकते हो या नहीं। ये मेन मेजरली तीन कारण है क्यूरियोसिटी डेवलप करने के। लेकिन क्यूरियोसिटी किसी भी चीज से आ सकती है, पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस। सो लॉ क्या कहता है, हमारे पास दो कैटेगरीज है। पहला आता है प्रोसीजरल लॉ, फॉर एग्जाम्पल कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। सेकेंड कैटेगरी इज सब्सटैंटिव लॉ, फॉर एग्जाम्पल इंडियन पीनल कोड। अब क्या अपराध है और क्या अपराध नहीं है, यह हमें बताता है सब्सटैंटिव लॉ, दैट इज इंडियन पीनल कोड, नॉट सीआरपीसी। सो सवाल अब यहां पर यह है कि क्या इंडियन पीनल कोड में कहीं ये चीज लिखी है कि पुलिस ऑफिसर पर हाथ उठाना एक अपराध है। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 332 ऑफ इंडियन पीनल कोड, अगर आप किसी पब्लिक सर्वेंट पर हाथ उठाते हो, मतलब किसी पब्लिक सर्वेंट को हर्ट करते हो, एंड हु इज अ पुलिस ऑफिसर, ही इज ऑल्सो अ पब्लिक सर्वेंट, तो अगर आप किसी पब्लिक सर्वेंट पर हाथ उठाते हो, हर्ट करते हो, उसे थप्पड़ वगैरह मार देते हो, देन उस केस में आपको मैक्सिमम 3 साल तक की जेल हो सकती है या फाइन हो सकता है, या जेल और फाइन दोनों हो सकते हैं। अब एक चीज यहाँ पर नोट करना कि ये जो अपराध है सेक्शन 332 जिस अपराध के बारे में बात करता है, वो एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है। मतलब अगर आप पुलिस के डंडे नहीं खाना चाहते हो, आप कस्टडी में नहीं जाना चाहते हो, देन उसके लिए आपको कोर्ट में बेल एप्लीकेशन मूव करनी पड़ेगी। बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि पुलिस तो जनता की सेवा के लिए है, जनता की सेवक है, एंड दैट्स ट्रू। लेकिन वो लॉजिक ये लगाते हैं कि पुलिस अगर कुछ गलत करती है, सेवक अगर कुछ गलत करता है, तो मालिक तो उस पर हाथ उठा सकता है, बट दैट्स नॉट ट्रू। सो मेरी लीगल एडवाइस आपके लिए है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर आपके साथ मिसकंडक्ट करता है, आपके किसी फैमिली मेंबर के साथ, रिलेटिव के साथ, या किसी फ्रेंड के साथ, या किसी और के साथ, तो उस केस में पुलिस ऑफिसर पर हाथ उठाने की जगह आपको अपने लॉयर को कॉन्टैक्ट करना चाहिए एंड लीगल एक्शन लेना चाहिए, एंड वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा इंस्टेड कि आप हाथापाई करें। लीगल एक्शन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। दैट्स ऑल।